सिर्फ कागजों में काम करवा कर इसका जो फंड है उसका पैसा समिति और आपको मुखिया सारे लोग इसका लेके आपस में बांट लिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, उसको इलाज कराने के लिए आगे ले जाना पड़ता है, उसके लिए भी सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक पानी जम जाता है जी, घुटने से ऊपर में पानी जम जाता है, बहुत ही कठिनाई होती है यहाँ आने जाने की, दीवार से ऊपर तक पानी आ जाता है, बहुत कठिनाई है पब्लिक को आने जाने में। हर 5 साल में तो हमारा एक तो अपना अधिकार है, हमारा मत है, हम मत देने के लिए, हम तो आपको काम करने के लिए चुनते हैं। अगर आप मेरे साथ धोखा देंगे तो हम आपको अपना मुखिया या अपना समिति या सदस्य क्यों बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के गोंदरी पंचायत में। दरअसल आपको बता दें कि आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, यहाँ के लोगों ने हमारे गाड़ी को रोक कर अपने इस जन समस्याओं को दिखाने पर मजबूर हो गए। यकीन मानिए पीछे की पूरी तस्वीर को आप साफ तौर पे देख सकते हैं, हमारी नजरें जहां तक जाएगी आप पीछे की पूरी तस्वीर को साफ तौर पे देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर ले, हो सकता है कि उनके पैर हाथ भी इसी रास्ते में गिरकर टूट भी सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर इस मुद्दे पे इनका क्या कुछ कहना। 6 महीना पहले ये हमारे पंचायत के मेसौरा के समिति है खरातू मियाँ, वो बोले कि हम इसको मरम्मत कराए हैं नाले को, लेकिन 6 महीना पहले जब नाला मरम्मत हुआ तो फिर इसका हालत देखिए कितना खस्ता है। ये नाला का कुछ रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है इस मुद्दे पे? हाँ, बात करने की कोशिश की, जो मुखिया से हमने बात किया, समिति साहब से बात किया, मुखिया ने किया बोला मेरे को कि काम तो हुआ है लेकिन आप खुद आप देखिए क्या काम हुआ है। समिति से बात हुई तो समिति साहब ने बोले कि हम छोटा चांद मान वो काम हम नाली का किए हैं लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है, आप खुद देखिए कि नाली का क्या काम हुआ है। यहाँ तक पानी जम जाता है जी, घुटने से ऊपर में पानी जम जाता है, बहुत ही कठिनाई होती है यहाँ आने जाने की, दीवार से ऊपर तक पानी आ जाता है, बहुत कठिनाई है पब्लिक को आने जाने में। एक्चुअली छोटा चांद मन में समिति हो या मुखिया हो कुछ काम नहीं किया है। तो लोग कैसे पार करते हैं इस पानी? पार करते हैं जब लाठी ले लेके पार करते हैं, लाठी ले लेके पार करते हैं, दूसरे रास्ता के यहाँ पर प्रावधान नहीं है। ये रास्ता से सिर्फ जो लोग जाते हैं वो लाठी लेके जाते हैं, नहीं तो कभी गड्ढा में जो नाला है वो गड्ढा में पैर पड़ गया, पैर टूट जाता है, 2 आदमी का पैर टूटा हुआ है। जब छः महीना पहले ये काम हुआ था क्या आप लोग यहाँ नहीं थे? नहीं, हम लोग थे लेकिन हम लोग पूछे तो बोले कि नहीं हम काम कराया है, जो आपके ही गांव के कोई आदमी को काम दिया था वो कराया है, लेकिन हम आकर देखा तो कुछ काम नहीं हुआ है। और आप खुद देखिए ना क्या काम कर रहा है, 6 महीना में सीमेंट बालू का काम होगा तो आपको तो खुद दिखाई देगा सामने। अभी मौजूदा मुखिया है इकराम साहब, उनसे मुखातिब हुए, उनको बुलाए यहाँ तक यहाँ पे बुलाने के बाद में उनको दिखलाया गया, और दिखलाने के बाद में उनको कहा तो बोला कि नहीं इनका ये पास हो चुका है, इस मरतबा इसका कुछ नहीं होगा, ये जो भी होगा 5 साल के बाद में होगा। अब ये 5 साल के बाद में होने का जहाँ तक बात है, इसका काम हुआ ही नहीं है, सिर्फ कागजों में काम करवा कर इसका जो फंड है उसका पैसा समिति और आपको मुखिया सारे लोग इसका लेके आपस में बांट लिए हैं। और फैसल रहमान साहब को भी ला के इलेक्शन से पहले फैसल रहमान साहब को इसमें परेड करवाए थे, फैसल रहमान साहब ने आश्वासन हमें दिया था कि ठीक है ये काम हम अपने इलेक्शन से पहले आपको हम करवा देंगे मुखिया के द्वारा। मुखिया के द्वारा क्या फैसल रहमान साहब बात किए नहीं किए वो फैसल रहमान जानते हैं और मुखिया साहब जानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस गांव के अंदर में, पूरी चांदमन गांव के अंदर में रास्ते की किल्लत है, और इस गांव के अंदर में जब रास्ते की किल्लत कब समझ में आती है, जब बारिश होती है, और खुदा ना खास्ता जब कभी गांव के अंदर में मैयत हो जाती है, मैयत नहीं निकल सकती ये रास्ता से, एक मैयत नहीं निकल सकती इस रास्ते से। अगर ये खाट अगर लेके अगर जाया जाए कब्रिस्तान तक तो ये खाट नहीं ले जा सकते हैं, और बाकी तो दूर की बात है। यहाँ से लेकर के मार्केट तक जाने के लिए लोगों को गांव का पूरा चक्कर लगा के मार्केट जाना पड़ता है। इस रास्ता की वजह से लोगों को इतनी परेशानी हो गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जख्मी भी हो गए हुए हैं। लोग कैसे इसको पार करते होंगे जब बरसात? सहारे, किसी किसी सहारे से, दीवार के सहारे, लाठी के सहारे, किसी के सहारे जाते हैं आते हैं, तब तक इसी तरह मरते रहेंगे इस पानी में। तो ये हम लोग तो बहुत सारे बात हम लोग तो कर चुके हैं ना, लेकिन फिर भी अगला आदमी सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि
गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, उसको इलाज कराने के लिए आगे ले जाना जा पड़ता है, उसके लिए भी सहारा लेना पड़ता है। गांव के लोग परेशान हो चुके हैं, चलते चलते गिर जाते हैं और 6:30 बजे के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है। लोग डरते कि इस रास्ता से हम कैसे जाएं। फिलहाल यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है, बरसात के समय में इससे भी ज़्यादा पानी यहाँ पे रहा होगा, उस समय लोग कैसे इसको पार करते थे? नहीं जाते, रास्ता अपना चेंज कर देते हैं जी। जो बुज़ुर्गों का रास्ता बनाया हुआ है ये गांव का पूरा, कि हमारे गांव में एक रास्ता हुआ करता था जिसको पुराना रास्ता के नाम से जानते हैं, मस्जिद वाली गली के रास्ता से बाजार जाते हैं, ये रास्ता लोग बदल लेते हैं, या तो दायां मोड़ लेते हैं या तो बायां मोड़ लेते हैं। आखिर कब तक के लोग यूँ ही इसी तरह ज़िंदगी जीते रहेंगे, मरते रहेंगे? करप्टेड लोग हैं, जब तक करप्शन भरा हुआ रहेगा लोग ऐसे ही बदहाली से जिएगा। अगर मुखिया हम लोग क्यों बनाते हैं, समिति क्यों बनाते हैं, वार्ड सदस्य क्यों बनाते हैं, कि हमारा काम करेगा, हमारा काम करेगा, हम उसको वोट देंगे, मेरा काम नहीं देगा तो हम भी उसको थेंगा दिखा देंगे। हर 5 साल में तो हमारा एक तो अपना अधिकार है, हमारा मत है, हम मत देने के लिए, हम तो आपको काम करने के लिए चुनते हैं। अगर आप मेरे साथ धोखा देंगे तो हम आपको अपना मुखिया या अपना समिति या सदस्य क्यों बनाएंगे? अगर ये रास्ता नहीं बनता है, हम लोग बार बार बोले, हम लोग थक चुके हैं, मैं आपको बता दूँ, लोग परेशान बदहाल है, अब बार बार उनके यहाँ जाना भी लोग ठीक नहीं समझते हैं। आप कोई भी काम अगर एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीसरा बार अगर आपको ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, आप खुद बैठ जाएंगे, थक जाएंगे। तो लोग यहाँ का थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये रास्ता वैसे ही का वैसा ही है। आपके चैनल के माध्यम से वो देख कर आके काम करेगा तो प्रशासन तो करने नहीं देगा, यहाँ के स्थानीय लोग तो करने नहीं देंगे, तो वही हाल। अगर करना होता उसके अंदर थोड़ा सा भी शर्म होता ना, तो इस रास्ता को 1000 बार देख के गए हैं, एक बार भी आके बना देते। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि लोग अंतिम संस्कार करने के लिए भी इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते पर चलने की वजह से उनकी पैर हाथ भी टूट चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर लोग इस रास्ते से कब तक के जाएंगे, कब तक अंतिम संस्कार यूं ही इस रास्ते में रोका जाएगा। कैमरामैन जफर आलम के साथ मैं आरिफ हयात, AHO न्यूज़, ढाका, पूर्वी चंपारण, बिहार।